Happy birthday to you. चुप चुप चुप। मैं आ गया हूँ ना? कैसा लगा सरप्राइज? तेरे सरप्राइज ने जान ले ली थी मेरी। बेब्स, ऐसा कभी नहीं होगा। You know ना, I love you more than anything else. अपने प्यार के साथ कोई ऐसा मजाक करता है क्या? अरे, I'm really sorry for hurting you. लेकिन मैं सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था। वैसे अगर मैं सही में मर गया होता तो रिया, सॉरी, सिर्फ मजाक था। तेरे ये मजाक बंद कर, परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा, I promise, अगली बार से नहीं करूँगा। चल अब रोना धोना बंद कर और गुस्सा थूक दे। इट्स योर बर्थडे, लेट्स सेलिब्रेट। देख, वो सब इंतजार कर रहे हैं, चल।
रिया बता तुझे आज गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्यार करते रहना। अरे करते रहना मीन्स क्या? करूंगा ही, वो भी आखिरी सांस तक। हो गया तो फिर से झाड़ू, मारने मरने वाली बात करने लगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये सुसाइड पॉइंट पे कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है? जस्ट थ्रिल यार, सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। यार ऐसा मत बोल, पहले से यहाँ आने के बाद से कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। अरे डोंट वरी माय लव, मैं हूँ ना। व्हाट्स अ रोमांटिक एंड लवली कपल यार। कितने लकी है दोनों। हाँ मतलब हम दोनों लकी। जस्ट सेइंग यार, अब तू यहाँ झगड़ मत। आई है तुम्हारी इसी बात पे तो फिदा है। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। जय। यस बेबी। मैंने सिर्फ आवाज दी और तू है कि चुप। डॉली हम कितने दिनों से नहीं मिले ना। जस्ट टू डेज। ओके दो दिन, मैं तो एक मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और दो दिन मतलब क्या बिगड़ गया? अगर सिर्फ दो दिन नहीं मिले तो इतना क्या हो गया? डॉली ऐसे क्यों बात करती है? प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से। हाँ प्यार करते हैं तो क्या, तेरी गोदी में आके बैठ जाऊँ, घर कॉलेज सब छोड़ दूँ? मैंने ऐसे कब कहा? लव यू ना यार। ओके लव यू टू। तो डॉली 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 के आगे क्या? सब छोड़, मुझे ये बता वैसे तू मिलकर भी क्या करता है? क्या करूँ बोलना। शट अप। और एक काम कर, तू कुछ मत कर। हाँ, मैं कुछ ना करूँ? तुझे तेरे वो लिपस्टिक से टाइम मिलता है क्या? ओए मेरे लिपस्टिक को ना कुछ मत बोल। ओके आया मैं। चल इतने सेलिब्रेशन से काम नहीं चलेगा। We want a party and that too in pub, okay? Yeah, obviously. Just relax. वो देख। तेरे घर का इशू सॉल्व हुआ? घर वालों ने सब एक्सेप्ट कर लिया। ईशान का क्या? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने आया है। ईशान से बात की तूने? नहीं ना। आर यू ओके? ईशान का क्या? उसे और टाइम चाहिए। तो उसे एक्टर बनना है। तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, घर वाले शादी के लिए पीछे पड़ेंगे यार, ये सब कैसे मैनेज होगा? ईशान से बात की तूने? उसके करियर के बीच मुझे नहीं आना, भले वो आज कुछ ना हो लेकिन एक दिन वो जरूर कामयाब होगा। हम इस जन्म में साथ रहे या ना रहे पता नहीं, साथ रहने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाउ एक्साइटिंग यार, पुनर्जन्म क्या सही कंसेप्ट है ना? वो कैसे? अब देखना, मौत यहाँ तो जन्म किसी और जगह, सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वहाँ एक अटूट प्यार, वाह। तू पुनर्जन्म पे विश्वास रखती है? नहीं यार, ऐसा सोचने में क्या जाता है? देखना, जब से यहाँ आई हूँ तब से लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। फॉर सुसाइड? नहीं यार, कुछ भी। ये हुई तेरी और मेरी बात। डॉली का क्या? अबे क्या हुआ? बहुत सही प्लान बनाए हैं। यस पब डन, इस बार और मजा करेंगे। अब क्या हुआ गाइस? प्लान में थोड़ा चेंज किया है। हाँ। ए क्या चेंज किया तुम लोगों ने? तू कुछ भी मत प्लान किया कर। इन्होंने किया है, सुन तो ले। इस बार या ओपन में कुछ करेंगे।
मतलब म्यूजिक लगाकर इस जंगल में डांस करना पड़ेगा। अरे नहीं रे। अरे गाइस लिसन लिसन लिसन, आई विल टेल यू। सी हर बार यार हम पब क्लब रेस्टोरेंट जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन इस बार हम 6 लोग और साथ में जंगल, ये रात और ये सुसाइड पॉइंट, यार कितना मजा आएगा। नहीं यार यहाँ नहीं यार, पब्लिक ही है ना। अरे बेबी मैं हूँ ना यहाँ पे तेरे साथ डांस करने के लिए। Listen guys, ये प्लान पूरा का पूरा सुपर फ्लॉप है। सही है रिया, सब है? साथ है, टेंशन किस बात का? एक तो हम घर से दूर है, ऊपर घर भी तो टाइम पे पहुंचना है, इसलिए नो। अरे तेरी जान तेरे साथ खड़ी है और तुझे घर जाने की पड़ी है। नो नो ओएस यस। अरे समीर के होते हुए डर किस चीज का यार, चिल करो यार, बहुत मजा आएगा, चलते ना। क्यों? हाँ। तो डन? यस यस डन डन। ओके यस। ए रिया, वेयर इज द केक? ओ शिट, तुमको मिला ही नहीं, अभी लाती हूँ, वेट। हाँ मुझे भी खाना है। अबे साले तुम लोग खाओगे केक? भाई हम यहाँ केक खाने नहीं आए हैं। तो हेलो। हाँ मम्मा आते हैं थोड़ी देर में। कितना अच्छा होता अगर पब गए होते, तुम लड़कों को ना कुछ भी सोचते। कुछ भी? कितना रोमांटिक है सब कुछ, ये चांद, ये जंगल, साथ में मैं और तू, और ये रात। ऐसा लग रहा है कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। ईशान का फिल्मी भूत चढ़ गया तुझ पे, वहाँ पे मम्मा इंतजार कर रही होगी। अरे हर बार क्या है मम्मा मम्मा मम्मा, बच्ची है क्या तू? थोड़ा तो मैच्योर बन। इस सेक्सी हॉट डैशिंग हंग तेरे साथ है और तू रोमांस के बीच में माँ को क्यों लाती है? रोमांस के में तेरे माँ? शट अप। वैसे बस ये लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए। बस इतने ही? लिपस्टिक खराब नहीं होगी लेकिन टेस्ट तो हो सकते है ना। आंखें तो बंद कर ले। अरे किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा ना ये। यार तू कभी तो रियल लाइफ छोड़ के रियल लाइफ के बारे में बात किया कर। ग्रेजुएशन के बाद घर वाले शादी के लिए पीछे पड़ेंगे यार। उसमें गलत क्या है, शादी सही वक्त पे हो जानी चाहिए। बी प्रैक्टिकल। हाँ अच्छा बाबा ठीक है, हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग भाग चलते हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी टाइप। Not again. I am going. Babes, babes, babes. Look at them and look at us, यार. वो लोग कितना enjoy कर रहे हैं। और तुम वो की हर एक बात लेके बैठी हुई हो। यार, मुझे भी tension है मेरे future के बारे में। This is come on, यार. Okay, okay, sorry. चल कुछ तेरे वाला feel करती हूँ. Horror type. ये हुई ना बात. हम तुम किसी जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ के मुझे खा जाए। क्या हुआ? यहाँ कोई तो था ईशान। कौन है? मैं हूँ ईशान। नैना तुम कितनी सही एक्टिंग करती हो यार। अरे इतना रियल तो मुझे भी नहीं आता है यार। यार प्लीज 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 मुझे सिखाना ईशान यार प्लीज। रिया गजब का सरप्राइज था ना आज का। हाँ ना। वैसे एक बात है, लाइफ में सरप्राइजेस ना होना तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। ओए प्लीज, लेकिन ऐसे सरप्राइज बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है बाबा, अगली बार से नहीं दूंगा।
तूने कभी सपने में भी सोचा था कि तेरा बर्थडे कभी सुसाइड पॉइंट पे सेलिब्रेट होगा? नहीं यार, पर गजब का सरप्राइज था। है ना? आई नो, समीर के सरप्राइजेस बोरिंग हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे रिया, ये जंगल डरावना तो है, लेकिन अभी ना कुछ कुछ अच्छा भी लगने लगा है। तुझे ये अच्छा लगने लगा है? हाँ यार, पता नहीं यार, मुझे कुछ यहाँ आने के बाद से कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। क्यों? लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। शायद पिछले जन्म आई होगी। होता है। Stop it यार, I am serious। फैंटेसी के दुनिया से बाहर आओ मैडम, ये दिमाग का वहम है। शायद तुझे ना वो क्या बोलते हैं वो, हाँ, देजा वो हो रहा है। सो थोड़ा चिल कर। रिया, क्या हुआ? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? यार तुझे कितने बार बोला जैकेट कैरी क्या कर, अब लग गई ना ठंड। बीमार गिर गई तो? सॉरी यार, भूल गई। पकड़। तू अभी भी मेरे सुसाइड के शौक से बाहर नहीं आया, उसी के डर की वजह से ना तुझे ये सब हो रहा है। नहीं समीर, वहाँ कोई था अभी? कोई नहीं है। अरे इसका भी वही हाल है यार, इसने भी किसी को देख लिया है। ट्रस्ट मी समीर, मैंने सही में उसको देखा है। अरे इसका भी वही हाल है, इसकी तो फटी पड़ी है। गाइस, सच में कोई तो है यहाँ पे। है तो गया कहाँ? इस जंगल में ही कहीं होगा। मुझे अकेली को दिखता तो मैं समझ सकती, लेकिन हम तीनों को एक साथ कैसे दिख सकता है? बेटा, आप जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हो ना, वो हमने कई बार ही डायरेक्ट की है। इन तीनों ने ही कुछ प्लान किया होगा पक्का। अरे पागल हो क्या तुम? ऐसा कोई प्लान कर सकते नहीं, है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे सुसाइड के प्रैंक के बदले ये प्लान। लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और रिया, रिया तो पुनर्जन्म के बारे में बात कर रही थी। वाह 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 वाह, क्या खूब प्लानिंग की है। सेलिब्रेशन के वक्त की गई सुंदर प्लानिंग, लेकिन बेटा हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाले। समीर भरोसा रख। भरोसा जिंदगी और मौत के बीच की एक लकीर है और कुछ भी नहीं। कौन है तू? ए, तू किसी गली में खड़ा नहीं है, जंगल में खड़ा है, जंगल में। और जंगल में खड़ा होके मुझे बोलता है कौन है तू? ये जंगल मौत का कुआं है और मेरा घर भी। यहाँ किसी का भी आना मना है। यार ये कितनी सही डायलॉग डिलीवरी करता है। तुम ना फिल्मों में काम करोगे, लोग तालियां बजाएंगे तुम। ज्यादा उड़ मत, तुम सब लोग अभी यहाँ हो, अगले पल हो भी नहीं सकते। इस जंगल का कोई भरोसा नहीं। गाइस, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाना तो सभी को है एक दिन, और ये जंगल भी उसी के लिए बना है। ये मासूम कोमल मुलायम लड़कियां मारी गई तो? ए, लड़कियों के बारे में कुछ बोलने का नहीं। ये जंगल है जंगल, तेरे बाप का घर नहीं। यहाँ के कायदे अलग है, यहाँ के कानून तुम्हारे दिमाग के बाहर है, और यहाँ जो कुछ भी होता है यही दफन होता है। अरे यार हम इससे बात क्यों कर रहे, इसकी तो ना इसकी पहले अकल ठिकाने लगाते। ईशान, इसकी तो समीर चल, समीर चल। ए लड़के, ईशान चलो, ईशान चलो। अपने ज्यादा घमंड मत, घमंड मत कर। यही घमंड जान लेगी तेरी एक दिन।
इतना भी क्या डरना, वी आर सेफ नाउ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यार मूड फ्रेश करो। कम ऑन रिया। वो फिर से आ गया तो? वो फिर से आ गया तो फिर से भाग जाएंगे। ए तो चुप। मेरे भाई चाहे तेरी अकल ना, तेरे कपड़ों की तरह है आधी। मतलब वो फिर से आ गया ना तो उसकी अकल ठिकाने लगा देंगे। हाँ हाँ सही बात है यार समीर, इट्स 11:30 नाउ, वी मस्ट लीव। यार नैना रुकते हैं ना, अभी तो मजा आने लगा है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कम ऑन यार, वो जंगली हमारे जान के पीछे पड़ा है और तुझे मजा आने लगा है और ये तेरी मजा कोई सजा बन गई तो? बस करो यार ये डिस्कशन, क्यों कर रहे हम ये डिस्कशन? बट दिस इज, कम ऑन यार। ए फट्टू चल अब चिल कर, चल। मैं भी थक गई हूँ ना, चलते हैं ना। रुकते ना यार। नहीं ना, चल ना। अच्छा चल। रिया देखा क्या मारा मैंने उसे? मारपीट के लिए ना जिम की जरूरत नहीं है, जिगरा चाहिए जिगरा। सुन रही है ना मेरी बात रिया? अब क्या हुआ? तूने कुछ सुना? यस, तेरी मेरी सांस है, मेरी तेरी धड़कन है, मेरे दिल की आवाज जो मुझसे बार बार कह रही है कि कुछ कर कुछ कर। वो नहीं, कुछ अजीब से ट्यून। हाँ आ रही है ना, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। आज तक मुझे लगता था कि सिर्फ लस्ट है तेरे अंदर, पर तू तो क्रिएटिव निकला यार, क्या एक्टिंग की तूने। सब डर गए थे एक बार के लिए, मुझे भी लगा कि तुझे सच में भूत दिख गया, बट आई नो किस नहीं कर पाया ना, इसके वजह से सब ढोंगे तेरा। अरे कितना डर गया था मैं, देख देख। तू तो सच में डर गया, पट्टू कहीं कहा बड़ा है मुझे बताने, मैच्योर बन। अब क्या हुआ पट्टू? डॉली डॉली यहाँ पे रुकना डेंजरस है, चल क्यों चलते यहाँ से। अरे अरे सुन तो, यार तेरा मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है यार, इतना प्यारा गाना गाया मैंने, इतना बढ़िया सेलिब्रेट किया, कब तक तू ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहेगी? या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है चल। ईशान यार तूने मारा क्यों नहीं उसे? मुझे लगा तू रियल लाइफ स्टार है। ए लगा क्या, हूँ मैं रियल लाइफ स्टार, तुझे पता है 4 साल से मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, फिल्म में करियर करना इतना आसान नहीं है, बॉडी फेस डांस फिटनेस सब पे ध्यान रखना पड़ता है, और तेरा ख्याल भी। ईशान चलो भागते हैं यहाँ से। क्यों पड़ा है? और उस जंगली ने तो उन सबको मार दिया, यार ये हो क्या रहा है? मुझे घर जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा,
शिट, नेटवर्क। ओह शिट, नेटवर्क भी नहीं है। रिया, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। यहाँ कोई है भी नहीं पूछताछ करने के लिए। रिया, अब जाए तो जाए कहाँ? हाँ, लेकिन थोड़ा आगे एक घर है, वहाँ कोई मिल जाए। तुझे कैसे पता? मैंने कहा था ना तुझे, मैं यहाँ आई हूँ और वो भी तेरे साथ। यार रिया, कम ऑन यार रिया, मजाक मत कर यार। फिर से वही बात, कब से वही रट लगाए बैठी है यार तू। समीर, ये मजाक नहीं है। वो देख, कोई रहता भी है? मुझे क्या पता, शायद। वो देख, लाइट ऑन है।
पड़ी थी तेरी तो इतना आसान नहीं है मुझे मानना। मरना होता तो कब का मर चुका होता। हमें जाने दो। चुप। मरूंगा या ऐसे ही भटकता रहूंगा जंगल में। हो कौन तुम और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कौन किसका पीछा करता है? भूतकाल वर्तमान का पीछा करता या फिर हेलो मत बैठे रहो। जंगल में जंगली जानवर घूमता, किसी की नजर में आ गया तो काट खाएगा। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। मेरी पूरी बात सुनो बद्री और सितम्मा। दूसरे से बहुत प्यार करता। जहां प्यार ज्यादा वहां नफरत करने वाला कोई तो होता ही है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहता मगर वो दुरिंदा दोनों के प्यार के बीच में आ गया।
नहीं कर सका मैं। पागल हो गया है? नहीं हूं मैं पागल। रुको रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ईशान, जय, तुम लोग यहाँ? मुझे लगा तुम लोगों को इस जंगली ने मार दिया। अरे नहीं, इसने तो हमारी जान बचाई है। हाँ भाई, इसी ने जंगली जानवरों से हमें बचा लिया। डाली! ईशान चलो, भागते हैं यहाँ से। ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसके हर एक मोड़ पे खतरा है। लेकिन कभी कभी शहर से कुछ लोग चले आते हैं, तो उन्हें जानवरों से बचाना पड़ता है। आप लोग ये सोचकर चले आते हो यहाँ पे कि चलो मौज मस्ती करेंगे, लेकिन इस जंगल के भी कुछ कायदे कानून है। रात होने के बाद जानवर घूमते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम्हें कैसे पता हम यहाँ आने वाले हैं? शुक्रिया हमारे जान बचाने के लिए। लेकिन मदद करोगे हमारे आप? हमारे दोस्त समीर और रिया कहीं गुम हो गए, उन्हें ढूंढो ना प्लीज। हाँ
हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मुझे पता है वो लोग कहाँ पे रहेंगे। चलो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। ये सुसाइड पॉइंट बहुत बदनाम है। शाम होते हम लोगों को समझा कर वापस भेज देते, लेकिन आप लोगों की गाड़ियां दिखाई दी, लगा कि अंधेरा होते ही वापस चले जाएंगे। लेकिन ये लड़की सीधा जंगल की तरफ आते हुए दिखाई दी, तो मुझे इसे बचाने के लिए खुद यहां आना पड़ा। जन्म हाँ पुनर्जन्म।